मेरे बेबी सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाते हैं उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ उत्तराखंड से और मैं बनाती हूँ बेबी के लिए हेल्दी फूड रेसिपी। अब शुरू करते हैं बेबी का ब्रेकफास्ट से। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया अपने बेबी के लिए हेल्दी नाशपति का प्यूरी। सबसे पहले मैंने लिया दो नाशपति, उसको मैंने अच्छे से धोया और इसके छिलके को भी निकाल दिया। निकालने के बाद हमारा जो नाशपति है उसका हम छोटा छोटे पीसेस कर देंगे। छोटा छोटे पीसेस करने के बाद मैंने इसको कर दिया ग्राइंड। ग्राइंड होने के बाद हमारा बेबी का नाशपति का प्यूरी बनके रेडी है। देख सकते हैं ये सुबह के नाश्ता में बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और बेबी अच्छे से भी खाता है। बेबी के लिए सुबह के नाश्ते में आप नाशपति का प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, बनाना प्यूरी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, बेबी को पसंद भी आता है और हेल्थ के लिए ब्रेकफास्ट में फलों का प्यूरी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। चलिए अब हम बनाते हैं बेबी के लिए लंच रेसिपी, दिन का भोजन। आज मैंने लिया है अपने बेबी के लिए लंच में आलू और भिंडी की खिचड़ी, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा भिंडी, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा आलू, और मैंने लिया है थोड़ा सा एक चम्मच मसूर का दाल, दो चम्मच मूंग का दाल और दो चम्मच राइस। और मैंने अच्छे से सारे चीजों को धो के काट लिया है और मैंने दाल और राइस को भी धो लिया है। उसके बाद मैंने लिया एक बर्तन और बर्तन में डाल दिया हमारा जो राइस है, दाल है और सारे चीजों को, जो आलू और भिंडी है, प्याज है। उसके बाद मैंने डाला इसमें 2 कप वाटर। दो कप वाटर डालने के बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अगर 1 ईयर कंप्लीट नहीं है बेबी तो आप बिना नमक के बना सकते हैं। उसके बाद मैंने 2-3 सीटी लगा दिया। लगने के बाद हमारा भिंडी और आलू का खिचड़ी बनके रेडी है। देख सकते हैं भिंडी के कारण बेबी को खाने में आसानी होता है और बेबी को पसंद भी आता है। ट्राई जरूर करना। बेबी दिन में कुछ ना कुछ पीते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे पानी पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं और कुछ फल भी खाते रहते हैं। तो इस कारण मैंने इवनिंग टाइम में लिया है अपने बेबी के लिए एक बनाना, और बनाना को मैंने चम्मच के मदद से इस तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने एक कटोरी में डाला और डालने के बाद उसमें ऐड करा 2 चम्मच दही और मैंने इसको अच्छे से चला दिया। देख सकते हैं हमारा बेबी का इवनिंग टाइम का नाश्ता बनके रेडी है। ये बहुत ही ज्यादा बेबी को पसंद भी आता है और बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। बनाना और दही बेबी के ओरिजिन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप दही डालना नहीं चाहते हो तो आप मिल्क में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। ये रेसिपी दही और बनाना का प्यूरी आपको हफ्ते में 2 या 3 बारी देना है। रात का खाना हमें हमेशा ही बेबी को पेट भर के खिलाना चाहिए। चाहे बेबी खाने को मना करे, फिर भी हम जितना हो सके ट्राई करेंगे कि बेबी खाना खाए, और उसमें बेबी का जो हम खाना बनाते हैं वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि बेबी शाम को खाना खाते हैं तो सो जाते हैं। सोने के बाद बेबी के जो शरीर में खाना अच्छे से काम करता है और बेबी का वेट गेन में भी हेल्प करता है। इसलिए मैं लेकर आई हूँ डिनर में आज बेबी के लिए हेल्दी रोटी सूजी का प्यूरी। देख सकते हैं मैंने यहाँ लिया है डिनर के लिए बेबी के लिए 3 चम्मच सूजी, 2 खजूर और 1 रोटी। सबसे पहले हम खजूर को भिगाने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। तब तक हम सूजी को हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम 1 कप वाटर डाल देंगे ताकि सूजी अच्छे से और पके।
खजूर को भी हमें इसमें ऐड कर देना है। खजूर को डालने के बाद हमें इसको अच्छे से पकने देना है 2 से 3 मिनट। फिर इसमें मैंने ऐड करा है 1 कप काऊ का मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद जो हमारा रोटी था उसको मैंने छोटा छोटा पीसेस कर दिया। पीसेस करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। हमारी रोटी को अच्छे से पकने देना है ताकि ये सॉफ्ट हो। रोटी हल्का सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें हल्का मैक्स करा। इस तरह से मैक्स होने के बाद हमारा रोटी का सूजी का प्यूरी बनके रेडी था। देख सकते हैं ये बेबी के लिए डिनर में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, प्लस बेबी का वेट गेन में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।